हम कश्मीर वैली में इन ट्रांसफ़र पॉलिसी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत मेरा वर्किंग हूँ एज ए टीचर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। तो हम जहाँ से 2007 से वहाँ काम कर रहे थे पीसफुली, और वहाँ के लोकल लोगों ने हमें पूरा कॉपरेट किया पिछले 15 साल से, लेकिन अचानक अब ये उनका ये सिस्टम हो गया कि वो आइडेंटिफाई करके हमारी हिंदू टारगेट किलिंग करते हैं। हिंदू माइनॉरिटीज़ के जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनको करते हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित हों चाहे किसी अलग अलग डिपार्टमेंट के जितने भी मुलाजिम हैं। तो हमारी फर्स्ट से पहले सबसे पहले हमारी ये डिमांड है कि जिस जो हमारी बहन की कल जो उन्होंने बुरे तरीके से क्लास में आकर उसको सिर पे गोली मारकर हत्या कर दी, हम चाहते हैं कि उसकी बेटी को, उसकी 8 साल की बेटी है, उसको उसकी बेटी को पूरे साल पूरी उम्र के लिए उसको एजुकेशन का खर्चा गवर्नमेंट उठाए, और जब उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए उसको गवर्नमेंट तो उसको गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए, और उसके हस्बैंड जिसका नाम राजकुमार है वो भी एज ए टीचर उस सेम डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में काम कर रहा है, उसको विद इन डेज में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली बहुत डिस्प्रेस फ्रस्ट्रेट हो गया है। हमारे जितने भी लोग वहाँ एज ए मिनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी के लोग जो काम कर रहे हैं, चाहे वो एससी हैं एसटी हैं, वहाँ कोई स्केयर नहीं है, चाहे वो मुस्लिम हैं चाहे वो सरदार हैं, किसी भी कम्युनिटी का लोग वहाँ। पहले आपने देखा एक सरदार प्रिंसिपल थी वहाँ, कश्मीरी पंडित को भी मारा जाता है। तो हमारी ये डिमांड है कि जो मिनॉरिटीज़ वहाँ हैं उनको सेव किया जाए, और हमारे जो जो इंटर डिस्ट्रिक्ट वहाँ जो इम्प्लाई गए हैं चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो, उनको उनके लिए वो ट्रांसफ़र करें जहाँ उन्हें विद इन डिस्ट्रिक्ट जहाँ जिस उनको होम डिस्ट्रिक्ट में डालें। होम डिस्ट्रिक्ट के बाद अगर गवर्नमेंट की आगे नेक्स्ट क्या स्ट्रेटजी है, ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या बनानी है, वो गवर्नमेंट खुद देखे। अभी नहीं।